जो कोशिका है उसका क्वेश्चन सर करने चलते हैं। तो सबसे पहला जो है, देखिए ये जो सबसे पहला क्वेश्चन सर में जो है अभ्यास कोशिका या चैप्टर जो है किसका है, कोशिका का है। ईस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग जो है अल्कोहल के उत्पादन में हम लोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में प्रतिजैविक कौन है? तो प्रतिजैविक कौन है इसमें से? तो ईस्ट जो होता है, देखिए ईस्ट इनमें से ईस्ट को बनाने के लिए क्या होता है, प्रतिजैविक है, जो अल्कोहल बनाने के लिए में प्रति उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव सभी जगह, जल में भी पाया जाता है, वायु में भी पाया जाता है, मिट्टी में भी पाया जाता है, इन सभी जगह में ईस्ट जो है ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा? तो पेंसिलिन का जो है नामक है इसको सबसे पहले खोजा गया है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है? चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहलाता है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है? संचरणीय रोगों का मुख्य कारण जो है घरेलू मक्खी है। ठीक है, इसमें जो यहाँ से उड़ के वहाँ बैठ जाता है, यहाँ से बैठ के वहाँ उड़ जाता है, जिसके कारण से उसका वाहक जो है सबसे ज़्यादा घरेलू मक्खी होता है। डेंगू परजीवी का वाहक कौन है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। जो हम लोग को यदि मच्छर जो काटता है ना शरीर में, तो वो मादा एनोफिलीज मच्छर जो है उसके काटने से डेंगू जो ज्वर होता है, डेंगू बीमारी उसी के कारण से होता है। अब दूसरा नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, रिक्त स्थान में पूर्ति करें, क्या क्या भरना है आपको ये चलिए देखिए। आप लोग लैक्टोबेसिलस जीवाणु दूध को डैश परिवर्तन कर देता है, तो क्या करता है? तो ये दही में परिवर्तन कर देता है। यहाँ पर यह दही लिखा हुआ है, दही में परिवर्तन कर देता है। हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। और राइजोबियम जीवाणु दलहन पौधे की जड़ों में ग्रंथियों में पाए जाते हैं, जिसके कारण से हमारा उर्वरा शक्ति मिट्टी में बनी रहती है। दूसरा चौथा है पोलियो डैश के कारण होता है। पोलियो जो होता है वह विषाणु के कारण होता है। पोलियो किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण होता है। गेहूँ, गेहूँ की रस्ट के कारण होता है। तो ठीक है, गेहूँ के कारण, गेहूँ की रस्ट किसके कारण होता है? तो गेहूँ की रस्ट जो होता है यह जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह जो है जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु होता है, ठीक है। और चेचक का टीका का खोज किया गया एडवर्ड जेनर ने किया था। और रोगाणु से लड़ने के लिए हमारी शक्ति को उत्पन्न करता है, तो रोगाणु से लड़ने के लिए हमारा शक्ति वो शरीर डैश उत्पन्न करता है। तो शरीर क्या है? रोगाणु से लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या है उत्पन्न करता है? तो ये जीवाणु उत्पन्न करता है। जो छोटे जीवाणु होता है ना जीव, ठीक है, जीवाणु उत्पन्न करता है, जिसके कारण से क्या होता है हमारा शरीर में लड़ने की क्षमता को ये करता है। अब हम लोग चौथा नंबर तीसरा नंबर कॉलम में आते हैं। हम लोग क्या क्या होता है देखिए, जीवाणु का क्या है, जीवाणु से मिलाना है। जीवाणु क्या होता है? हैजा से होता है। राइजोबियम किसके होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए होता है। लैक्टोबेसिलस क्या है? दही से और दही जमाने का काम में आता है। और ईस्ट क्या करता है? ब्रेड, ब्रेड जो है ब्रेड की बेकिंग में काम आता है। आप प्रोटोजोआ जो है प्रतिजैविक क्या करता है? प्रतिजैविक उत्पाद करना होता है, ठीक है। और एक विषाणु क्या है? एड्स का निकलता है। तो अब हम लोग ये इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, सूक्ष्म जीवों के वर्ग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसका आप करेंगे कौन सा होता है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं दूसरा ई में। देखिए यहाँ चौथा नंबर का क्वेश्चन में आ गए हम लोग, ठीक है। यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन में अब देखिए यहाँ पर चौथा लिखा है सूक्ष्म जीवों के वर्ग कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म जीवों के वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों के चार वर्ग हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। यह जो है पाँच जो है, यह पाँच जो है वर्ग है। प्रमुख प्रतिजैविक के नाम लिखिए। तो ट्रेप्टामाइसिन, एंथ्रोमाइसिन और ट्रेटासाइक्लिन, ये जो है प्रतिजैविक का नाम है, ठीक है। मनुष्य में फफूंदी कवक से उत्पन्न होने वाले रोग कौन सा है? देखिए डेमाटाइट्स, एक्जिमा, ठीक है, एस्पर्म जियोलोसिस, ये जो बीमारी है ये कवक से उत्पन्न होने वाला है। खास 7 नंबर में है खाद्य भोजन के परीक्षण में प्रयुक्त तो दो रासायनिक परीक्षकों के नाम लिखिए। तो कौन किसको किसको किया जाता है? तेल, ठीक है, नमक, तेल, सोडियम बेंजोइट और सोडियम, ये इसको इस सबको क्या करता है?
परीक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर में है, हमारे जीवन में उपयोग दो सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। तो हमारे जीवन में उपयोगी कौन कौन होता है? ईस्ट होता है जो ब्रेड बनाने का होता है, लैक्टोबेसिलस जो होता है यह भी होता है किण्वन बनाने का उपयोग में करता है। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव दो हैं। अच्छा, प्रतिजैविक क्या है, इसके उपयोग में कौन कौन से सावधानी रखनी चाहिए? कई बार बीमार पड़ने पर डॉक्टर को हमें प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं। ये प्रतिजैविक के प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा हुआ है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों के परीक्षण में भिन्न उपायों के नाम लिखें। ठीक है, तो नमक, खाद्य तेल, सोडियम बेंजोएट, चीनी इत्यादि सूक्ष्म जीवों जो वृद्धि को रोक कर खाद्य पदार्थों का संदूषण रोकते हैं, और जैसे जैम, अचार, स्क्वीस आदि परीक्षण में इन्हीं रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो चलिए, आज जो है ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर यदि आपको ये वीडियो देखकर आपको जो है मदद मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाएं। धन्यवाद, अब हम लोग अगला चैप्टर में मिलेंगे।